कथम पुनः कर्मणि अधिकृतेन अज्ञेन मोक्षणा कर्म कर्तुम् इच्छते। कर्म में अधिकृत अज्ञ के द्वारा अव्यज्ञ कैसा मोक्ष हो तो भी उसको कर्म अवश्य करना चाहिए, यदि कथम उच्चते क्यों आप कहते हो, किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए मोक्ष को, अज्ञ मोक्ष को कर्म, वह प्रकार बताया जा रहा है। क्यों नहीं, कैसे, क्यों बता दिया, क्यों करना चाहिए बता, लोक संग्रह में इत्यादि बता चुके हैं, अब कथम ये बताना जा रहे हैं। मई वासुदेवे परमेश्वरे सर्वज्ञे सर्वात्मनि, बड़ा विलक्षण प्रक्रिया देखिए भगवान भाष्यकार, मई का अर्थ कर दे पहले वासुदेवे, फिर भी आप कहे वसुदेव से अपत्यम वासुदेव कृष्ण ऐसे कर, फिर तो कृष्ण संप्रदाय वाले कहेंगे अल्लाह हम ही तो श्रेष्ठ है, हमारे कृष्ण में सबको अर्पण करना पड़ता है, भले तुम राम का भगत हो चाहे शिव का भगत हो, अंत में मेरे भगवान की शरण में आना पड़ता है, ऐसा कोई मूढ़ कह सकता है, इसे सतर्क है। वासुदेव का अर्थ आगे कह दिया परमेश्वर है, झंझट खत्म, कोई नाम नहीं लेना राम न कृष्ण, लफड़ाई खत्म हो गया, न दुर्गा न काली न कोई न गणेश न फणेश न कुछ नहीं, नाम परमेश्वर बस, और जिसका जो भी नाम आप लोग वो परमेश्वर ही होता है उनका अपना है या नहीं, अतः परमेश्वर तेरे सकल ग्रहण में हो गया, सब गृहित हो गए, बस इतना है कि वो कोई देवी को परमेश्वर ही कहेगा, इतना ही तो फर्क करेगा, स्त्रीलिंग बोलेगा, अब यहाँ पर समझ लो परमेश्वरश्च परमेश्वरी चित परमेश्वर एक शेष कर लेना, यहाँ भाष्य का वचन है, एक शेष होता है ना परमेश्वरश्चेति परमेश्वरी चित परमेश्वर बना, एक और भाव प्रयोग कर दिया गया है परमेश्वर है, अथवा और भी ईश्वर सबसे भी तुमको नफरत है, अनिश्वरवादी बनते हो फिर भी अपने परम को क्या मानते, अपने परमात्मा को सर्वज्ञ, जैसे बहुत सारे लोग हैं वो परमात्मा को ईश्वर शब्द कहना भी पसंद नहीं उनको, बहुत सारे संप्रदाय है भारत में ही वो ईश्वर नहीं मानते उसको, वो क्यों शासन करेगा, ईश अनुशिष्ट धातु ना, शासन करने वाला वृक्ष प्रत्यय ईश धातु से ईश्वर बना, तो अनुशासन क्यों करेगा, अनुशासन करेगा तो कहीं भेदभाव भी आ जाएगा उसके अंदर, जो उसकी चमचागिरी करे उसके ऊपर बड़ा दयाभाव करेगा, दूसरे पर बड़ा नाराज हो जाएगा, जैसे आजकल के अनुशासक होते हैं जितना घूस दो आप कुछ भी करते रहो काम चलेगा, अब घूस नहीं दोगे तो सारा कानून खड़ा कर देगा, ये तो अनुशासक का काम होता है ना शासकों में, इसीलिए कई लोग ईश्वर शब्द से भी नफरत करते हैं, उनके लिए कह दिया फिर तुम सर्वज्ञ को तो मानते हो ना, हाँ वो जो है वो सर्वज्ञ, यही वो कहते हैं वो लोगों की भाषा ऐसी होती है, जो है वो सर्वज्ञ, उसको परमात्मा भी नहीं बोलना परमेश्वर भी नहीं बोलना, वासुदेव कृष्ण राम तो बहुत दूर की बात, इन नाम से नाराज रहेंगे वो लोग, उनके लिए कहते हैं सर्वज्ञ, वो भी मानता है कि भाई गुरु क्या है सर्वज्ञ है, वही सब कुछ सर्वात्मनि, और वो जो सर्वज्ञ कहाँ रहता है वह सर्वज्ञ कैसे हो जाएगा, कहीं मान लो सात आसन की ओर बैठा हुआ है वहां से दूरबीन लगा के देखते भी रहेगा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई छूट जाएगा, सबको कैसे देख पाएगा लगातार ढंग से, सारी चीज को देख नहीं सकता है ना, गड़बड़ हो जाएगा, इसे कहते नहीं नहीं वो सर्वज्ञ इसलिए है क्योंकि वो सर्वात्मनि, वो सर्वात्मा है, सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, ऐसे सर्वात्मा में क्या करना है आपने है? कहते कर्माणि सर्वाणि, सब कर्म नित्य नियमित कर्मंगो, और काम कर्म कामनों को त्याग कर जब करते हो अंतकरण शुद्धि के लिए उनको, उन सकल कर्मों को क्या करना सन्न्यस्य, त्याग करके, का मतलब मई और त्याग करके, कैसे अर्थ घटेगा यहाँ, मई के साथ सन्यास तो घटेगा नहीं, इसे कहते निक्षिप्य, सप्तमी के आधार पर मई निक्षिप मुझ में डाल दो, मुझ में अर्पण कर, सन्यास में निक्षिप्य अर्थात समर्प्य अध्यात्म चेतसा, वे कैसे समर्पण करो है, कहते अध्यात्म चेतसा विवेक बुद्ध्या अहंकर्ता ईश्वराय भृत्यवत करोमिति अनया बुद्ध्या, विवेक बुद्धि से करने का मतलब क्या, मैं जिस कर्म का कर रहा हूं वह मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूं,
दासवत कर रहा हूं, भृत्यवत कर रहा हूं, इति अनया बुद्धिया, इस बुद्धि से, ऐसी बुद्धि से करना है कि भाई मैं कर तो रहा हूं, इस कर्म को मैं करता अपने आप को मान भी रहा हूं, लेकिन मैं कर रहा हूं किस लिए? अपने मालिक के लिए कर रहा हूं, ईश्वर के लिए कर रहा हूं, भृत्यवत कर रहा हूं, नौकर के समान करता हूं। एक जमाना था नौकर लोगों को तनख्वाह नहीं दिया जाता था, आज भी क्वचित है, थोड़ा सा दक्षिण में कई हमारे यहाँ ब्राह्मणों में सब देखने को मिलता है क्वचित क्षेत्र में कि वो भोजन उनको दिया जाता है, राशन पानी दी जाती है, कपड़ा लत्ता दिया जाता है, उनके बच्चों का भी देखभाल करके स्कूल जाते हैं, फीस भी दे देते हैं, सब कुछ करते हैं, और वो आपसे कभी पैसा नहीं लेते। अभी आमने सामने कभी मालिक ने लगभग नौकर का चेहरा भी नहीं देखा होगा, शूद्र का चेहरा देखा ही नहीं मालिक ने, न शूद्र उसने मालिक का चेहरा को सीधा देख नहीं सकता आमने सामने। तो भोजन भी दिया जाता है हमारे यहाँ, देखा हमने, वो क्या करते, एक बड़ा दरवाजा होता है आंगन में, बाहर से एक दरवाजा, कंपाउंड के दरवाजा बड़ा होता है, वहाँ सांकल बजाता है वो आदमी जो शूद्र है, जो कामकाज करता है, खेती बाड़ी वगैरह देखता है, सब बगीचे में काम करने वाला, वो आकर के वहाँ सांकल बजाएगा टक्कड़ टक्कड़। तो घर की जो ब्राह्मणी होगी, सेठानी कहो ब्राह्मणी कहो, वो क्या कर राशन पड़ ले जा करके वो बजाती है, वो असल में बजा करके उधर दूर खड़ा हो गया, वो खड़ा हो गया मुख उधर करके खड़ा है, इधर देखता भी नहीं, बर्तनों को रख दिया उधर चला गया, और ये अपना खोलेगी उसे सब राशन पानी डाल देगी, खाना पीना रेडीमेड भोजन, और फिर जो है बंद करके अंदर साकल बजाएगी, तो समझेगा अब चली गई है, फिर वो आ करके उठा के ले जाते। आज तक भी आप प्रथा देख सकते हैं जो कुंदापुर वगैरह साइड इन कर्नाटक में आज भी है। एक बार एक माताओं नहीं मान रहा था, हमने कहा चलो हमारे साथ हम दिखाते हैं, एक विष्णु याग रचना हुई उसमें आमंत्रित हुए, तो हम उसको ले गए, हमने जान बुझे अब सड़क मेन सड़क में हमने कहा टेम्पो से उतर जाओ, अब मंदिर तक विष्णु मंदिर तक हम लोग पैदल चलेंगे, सब जगह है पूरा उस क्षेत्र ऐसा ही है। तो जब वहाँ गए उधर से समुद्र के तट से कुछ मछुआर शूद्र आ रहे थे, औरतें और एक दो आदमी भी थे, उन्हें दूर से देखा हम लोगों को, जैसे देखा वो सड़क से नीचे उतर के खेती में घुस गए, हम लोग गए, मैंने कहा पीछे मुड़ना क्या देखना नहीं, अभी चुपचाप रहो, चलो अभी आगे चलो, आगे जगह हम काफ़ी आगे जगह खड़े जब हुए, हमने कहा पीछे घूम के देखना वो सड़क वापस आ गए होंगे, जब देखा तो वापस सड़क पे वो लोग आ, आमने सामने भी नहीं होते हैं वो लोग, आज तक भी ये प्रथा है वहाँ लोग इस तरह के। और कभी हमारे सारा कुशलक्षेम वो देखेंगे, हम क्यों दें सोचें, हमारा मालिक सोचता है सर, बेटी का शादी करानी है तो वो खर्चा देता है, सब कुछ वही कराता है, हमें क्या चिंता करना है, न तनख्वाह से मतलब, न कोई लेन देन, वो जो काम कहेंगे सब काम करेगा, टाइम पे खड़ा हो जाता है, जो आदेश बार ऊपर खड़ा है वो मालिक बोल देता है, वो सब काम करके चला जाएगा, कहाँ जो गड़बड़ी है सब आगे रिपोर्ट भी देता है, पूरा ख्याल रखते हैं टू जेड, बड़ा आश्चर्य। और आजकल लोगों को तनख्वाह दो फिर भी बेईमानी कर देंगे, सुविधा भी दिया जाता है, तनख्वाह दिया जाता है, सारी चीज़ दे दो तब भी बेईमान है, लेकिन वहाँ लोग कुछ अभी भी शूद्र वर्ग में इस तरह के हैं। तो ईश्वर आए मालिक के नाम कर रहे हैं, हम अपने कोई मतलब नहीं रखते फलों का, क्या होगा क्या नहीं होगा कोई चिंता नहीं। तद्वत यहाँ कहते मुमुक्षु अज्ञ को ईश्वर के लिए मैं कर रहा हूँ, योगक्षम वहाम्यम पर दृढ़ आस्था रख करके बैठा हुआ है, परमात्मा ही मेरे योगक्षम को वहन करता है, इसे मेरे लिए कोई चीज़ की अपेक्षा करना ही नहीं है, किसी चीज़ के लिए प्रयत्न नहीं करना है, मुझे केवल अपना वर्णाश्रम अनुसरण प्राप्त धर्मों को कर्तव्य कर्मों को निरंतर करते हुए उन कर्मों को ईश्वर को अर्पण कर देना है। इति अनया बुद्धिया, एतादृश बुद्धि से करने का नाम ही अध्यात्म चेतसा, इस बुद्धि से करते हुए उन कर्मों को उस परमात्मा में अर्पण करके खींच। ऐसा कब हो सकता है? इधर बुद्धि से वो भी किंच निराशी ही त्यक्ताशी ही त्यक्त सकल कामनाएं, कामनाओं को त्याग करके, निर्ममो मम भावश्च निर्गतो यस्य तव सत्वं निर्ममो भूत्वा, मम भाव निर्गत है जिसका, ऐसा तुम हो जाओ
तुम्हारा ऐसी स्थिति होनी चाहिए सब तुम ऐसा जो तुम निर्ममो ऐसा हो करके। युद्धस्व विगत ज्वर विगत संताप विगत शोक सन्नित्यर्थ शोक रहित हो करके तुम्हें करना है। संताप का हेतु जो है हेतुत्वात शोक एव ज्वर शब्द ने उक्ता शोक को ज्वर शब्द से शोक ही कहा गया है कि संताप का कारण क्या है शोक है। अतः ज्वर शब्द संताप वाची है अतः ज्वर शब्द का वाचक वाची वास्ते होने से संताप ग्रहण होना चाहिए और संताप से वास्तव में क्या है उसका कारण बोलता शोक को ग्रहण कर दिया गया। यहाँ पर ज्वर कहते बुखार संताप सम्यक ताप हो गया बुखार हो गया वो ज्वर है ना। और वहां पर लेकिन बृहदारण्यक में कह के नहीं नहीं कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरे कहा है ना पूरा सातवां प्रकरण पंचदशी उसी मंत्र की व्याख्या में है यानी अयम अयम आत्मानं चेत विचारियाद अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरे। ये बृहदारण्यक मंत्र है ज्वर सबसे वहां भी संताप कि ज्वर शब्द का संताप होता है और संताप का कारण कौन है शोक है इसलिए भाष्यकार सीधे ही ज्वर शब्द का शोक ले लिया विगत शोक सन शोक रहित होकर के ममता शून्य हो जाना और शोक रहित होना। शोक रहित होने का मतलब क्या अहिक पारत्रिक दुर्यश नर्क पाद आदि निमित्त जो शोक रहित होना पड़े कि यही तो उसने प्रथम अध्याय में पूरा तर्क दिया। यहाँ भी लोग मुझे गाली देंगे कहेंगे क्या आदमी है अर्जुन अपने दादा अपने गुरु सबको मार डाला भा नीच आदमी है ऐसा लोग कहेंगे। यह लोक में मेरी तो बदनामी जो होगी सो होगी परलोक में मेरा कोई गति नहीं रहेगा नरक नियतम वास और मेरा तो नरक में नियत वास हो जाएगा ऐसा सब उसने कहा था। ये सब शोक का स्वरूप है उससे रहित हो जाओ। अहिक पारित्रिक दुर्यश नर्क पात आदि रूपा जो निमित्तक आदि निमित्तक जो शोक है तार शोक से रहित हो जाओ ऐसा मसूदरी तीसरी पंक्ति ऐसा हो करके तुम मुक्षुर युद्धस्व विहितानि कर्माणि कुरुति विप्राय कहने का तात्पर्य क्या है हर व्यक्ति हर मुमुक्षु को अपना अपना जो भी कर्म है सबको लड़ना रूपी विधि नहीं है ना सबका कर्म लड़ना है कि ब्राह्मण का भी वैश्य का भी शूद्र का भी नहीं है इसलिए कहा दिया जिसके लिए जो विहित है वह विध कर्म करना चाहिए यह इसका अभिप्राय है। विहितानि कर्माणि कुरु इत्यर्थः। इस प्रकार से 30वीं श्लोक तक चौथा से लेकर के 30 तक का प्रकरण पूरा का पूरा निष्काम कर्मयोग प्रकरण न कर्मणाम समारंभात नैष्कर्म समश्रुतेः से आरंभ करके इस 30वें श्लोक तक कहे गए जो मत है क्या मत था मुमुक्ष को अवश्य मोक्षार्थ ईश्वरार्पण बुद्धिया कर्म करना चाहिए यही सार है पूरा का पूरा इन 27 श्लोकों का सार है। मुमुक्ष को मोक्ष सिद्ध करना है तो ईश्वरार्पण बुद्धिया कर्म करना चाहिए कर्म से भागना नहीं है मोक्ष चाहते हो तो ये इसका अभिप्राय वह मत भगवान का मत है उस मत को लेकर भगवान कहते इसलिए ये मे मतमिदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। ये मे इदं मतं मे इदं मतं मेरा यह जो मत है ये मानवाः जो मनुष्य नित्यम अनुतिष्ठन्ति नित्य अनुष्ठान करते हैं कैसे अनुष्ठान करते हैं वो भी श्रद्धावंतो अनसूयंतो श्रद्धा से युक्त होकर और असूया से रहित होकर गुणेषु दोष आविष्करण असूया गुणों में दोष का आविष्करण करना आनंदगिरी अंतिम पंक्ति शास्त्राचार्योपदिष्टे अदृष्टार्थ विश्वासवत्वम श्रद्धानत्वम। श्रद्धा क्या चीज है श्रद्ध एक अव्यय है उसे पूर्व धा धातु से श्रद्धा बनता है उसका अर्थ क्या है शास्त्राचार्योपदिष्ठ अर्थ में जो भी विशेष रूपेण अदृष्ट पदार्थों में जो वो कहते हैं उसे पूर्ण विश्वासवान होने का नाम श्रद्धा।
गुणों में दोष का आविष्करण करना ईश्वर कृपा करता है, उसका गुण है उसमें जो है दोष, भगवान उस पर कृपा करते हैं, मेरे पर कृपा नहीं किया, भगवान बड़ा निष्ठुर है, भगवान पक्षपाती है, भगवान दुष्ट है, ऐसे करके जो उल्टा सीधा भगवान पर भी जो आरोप लगा देते हैं लोग, हैं ऐसा भगवान के अन्य पर किसी पर किए हुए कृपा को देख करके आप स्वयं उसे जलना नहीं है, दोषारोपण नहीं करना है। ऐसा करने वाला मोक्ष निष्काम भाव से कर्म भी करेगा तो भी अंतरण शुद्ध उसका नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर कृपा कब होती है? चार कृपा है ना, आत्म कृपा, शास्त्र कृपा, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, चार कृपाएं मानी गई। जब समझो शास्त्र जो पढ़ रहे हो इसको पढ़ने के लिए आपके मन में उत्साह है, शास्त्र को पढ़ना चाह रहे हैं और आपका अंतकरण शास्त्रों को धारण करने के लिए तैयार हो रही है, तो समझना चाहिए आपके अंतकरण की कृपा हो गई, आत्म कृपा हो गई है। और शास्त्र धारण होने लग जाए, धारण करना चाहने लगे, शुभेच्छा प्रथम भूमि है ना ज्ञान का, शुभेच्छा, ये शुभेच्छा होना ही जो है आत्म कृपा। शुभेच्छा हो गया फिर शास्त्र धारण भी हो गया, लेकिन सुना भूल गया, सुना भूल गया क्या फायदा है उसका? कोई फायदा नहीं है ना, तो धारण होना चाहिए। धारण होने लगे मैंने शास्त्र कृपा कर रही है, तभी शास्त्र बैठ रही है अंदर में, टिक रही है। शास्त्र का टिकने का मतलब है कि शास्त्र कृपा हो रहा, शास्त्र का सम्यक अर्थ ज्ञान हो जाना ये गुरु की कृपा है, नहीं तो उल्टा सुनेगा कुछ और समझेगा कुछ। ये तो होता है ना, एक ही क्लास में 50 विद्यार्थी है, सबको एक ही टीचर पढ़ा रहा है, एक ही शब्द बोल रहा है, सबको वही स्वर से बोल रहा है, यानी किसी को तेजी से बोल रहा है, किसी को मीठे मीठे बोल रहा है, किसी को धीरे धीरे बोल रहा है, ऐसे तो नहीं बोल रहा है ना, सबके सामने एक स्वर से बोल रहा है, एक जैसा बोल रहा है। लेकिन फिर भी जब परीक्षा लो तो एक को 0 मार्क्स मिल जाता है, किसी को 90 मार्क्स मिल जाता है, क्यों होता है ऐसे? क्योंकि उसने शास्त्र का अर्थ को जो ग्रहण कर रहा है वह सम्यक ग्रहण नहीं किया, कारण उसकी अंतकरण अभी अशुद्ध था, इसे गुरु की कृपा उस पर टिक नहीं पाई थी। और ऐसे सदगुरु आज प्राप्त होना है तो वह ईश्वर की कृपा के बिना नहीं हो सकता। मनुष्य शरीर प्राप्त हो उससे मनुष्यत्व प्राप्त हो, मनुष्यत्व प्राप्त होने के पूर्वक मुक्षुत्व प्राप्त, मोक्ष प्राप्ति पूर्वक महापुरुष का संश्रय प्राप्त हो जाए, यह ईश्वर की कृपा के बिना नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं मेरी कृपा उस पर होती है जो मनुष्य मेरी इस मत को श्रद्धावान होकर और असूया से रहित होकर नित्य अनुष्ठान करते हैं, उन पर मैं ऐसी कृपा करता हूँ जिससे कि ते कर्म भी मुच्यन्ते, यदि कर्म भी मुच्यन्ते, कर्म भी मुच्यन्ते में अपि शब्द का दो अर्थ लेते हैं लोग। अपि का मतलब है कर्म भी रपि मुच्यन्ते, क्यों कह रहे हैं? अपि एव कर्म भी रेव मुच्यन्ते न तो अज्ञानाद मुच्यन्ते, गौण मुक्ति, कर्म से तो मुक्त हो जाएंगे, निष्कर्म भाव को प्राप्त कर जाएंगे, लेकिन आगे संन्यास ग्रहण करके जब तक वेदांत का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक उनको मुक्ति मिलती नहीं, मुख्य मुक्ति नहीं मिलेगी, गौण मुक्ति करते हैं। कर्म भी अपी कर एव कर दिया और कह दिया कर्म भी रेव मुच्यन्ते न तो अज्ञानात कारणात, कर्म का ज्ञान कारण क्या है? अज्ञान, उससे मुक्त नहीं होते हैं, ऐसा भी कुछ इसको अर्थ करते हैं। दूसरे कहते हैं केवल कर्म भी न तो अज्ञान है ना, ऐसा अर्थ करने में अपी कर एव क्यों लेना, किंतु कर्म भी अपी का मतलब अज्ञान आदि सदैव अर्थ निकलेगा अपी का मतलब, और जोड़ने के ना अपि का समुच्चयार्थ क्यों नहीं मानते हो, इतने व्यावर्तक क्यों मानो, ये वह कर्ण से क्या होता है इतने व्यावर्तन होता है, और अपि अधिकतर क्या होता है समुच्चय अर्थ में, यह भी माने वो तो है ही है उसके साथ यह भी, वो तो नष्ट होगा उसके साथ यह भी नष्ट होगा, यह कहना है तब तो अपि का प्रयोग होता है, अपि का अधिकतर अर्थ से समुच्चय होता है, इतने व्यावर्तन नहीं है। यद्यपि कुछ स्थलों में अपि का एव अर्थ लेना पड़ता है प्रसंगानुसार, लेकिन यहाँ ऐसा एव लेना कोई मजबूरी नहीं है, इसे मुख्य मोक्ष अर्थ भी लिया जा सकता है, अतः अज्ञान सहित कर्म का नाश होता है, यही अपि का समुच्चार्थ लेकर के भी नित्य मोक्ष जो वास्तविक मोक्ष है मुख्य मोक्ष है वही अर्थ दिया जा सकता है। तो फिर प्रश्न उठेगा फिर ये कर्म से कैसे मोक्ष प्राप्त होगा,
तब बीच में जोड़ देना अंतकरण शुद्धि द्वारा। ये जो मेरा मत निष्काम कर्म योग, इस निष्काम कर्म योग अनुष्ठान के द्वारा अंतकरण शुद्धि होगी, तद्वारा वह मुख्य मोक्ष को ही प्राप्त करता है। यह अर्थ कर लेंगे। इसलिए देखिए मसूनी अंतिम पंक्ति, तेपि सत्व शुद्धि ज्ञान प्राप्ति द्वारेण सम्यक ज्ञानीवत मुच्यन्ते। वे भी सत्व शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति के द्वारा सम्यक ज्ञानियों के समान विमुक्त हो जाते हैं। कर्म भी धर्माधर्मा के ही इन्हीं कर्मों के द्वारा, धर्माधर्मा के द्वारा वह मुक्त हो जाएगा। स्वकर्म भी धर्माधर्मा के मुच्यन्ते, वे अपने कर्म जो धर्माधर्मा के है, जो जन्म मरण का कारण है, उससे मुक्त हो जाएंगे। मतलब क्या? उनका अज्ञान ही नष्ट होगा और मुक्त हो जाएंगे सदा के लिए। पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होगी, निमित्ताभाव आती है उसका। ये इसके अवतरण का यदि तन मतम कर्म कर्तव्यमिति सप्रमाण मुक्तम तत्तथा। यह जो मेरा मत है कर्म कर्तव्य है, वह भी प्रमाणों के द्वारा सम्यक स्थापित कर दिया गया है। उसके बारे में कहते हैं तत्तथा, वह वैसा ही है, लेकिन उसे करने वाले को क्या होगा वो बता रहे। ए मे इति, ए मे ये को मन मानवा के साथ अन्वय करना है। मे मने मदीयम इदम मतम, मेरा जो यह, मेरा मने मेरे द्वारा स्वीकृत जो यह मत है, मदीयम मतम अनुतिष्ठन्ति अनुवर्तन्ते अनुसरण करते हैं, ऐसा जो सप्त पुरुष लोग है, ते मानवाः मनुष्याः, ये मानवाः ये मनुष्याः, उनका और विशेषण क्या दे रहे हैं? श्रद्धावन्तः श्रद्धधाराः अनसूयन्तो असूयांच मयि गुरौ वासुदेवे अकुर्वन्तो। और असूया न करते, असूयांच मयि मुझ में असूया न करते, मुझ में न कर दे का मतलब क्या? कहते गुरौ वासुदेवे, अक गुरौ वासुदेव इच्छा नहीं बोल रहे हैं, अर्थात गुरु ही वासुदेव है। गुरु रूपी वासुदेव में जो व्यक्ति असूया नहीं करे, अकुर्वन्तो, ये आनंद गिरी का मुख्य मुक्ति को ले रहे हैं। देखिए आनंद गिरी अंतिम पंक्ति जहाँ पर था गुणेश दोष आविष्करणम असूया, उसके बाद में गुरु से क्यों असूया करेंगे? करते ही हैं शिष्य लोग, गुरु के गुणों से असूया तो शिष्य लोग बहुत करते हैं। ईश्वर के गुणों से तो बाद में करेंगे, पहले सामने जो दिख रहा है उससे तो पहले होगा, जो नहीं दिख रहा है तो बाद में निपटेंगे। ईश्वर से भी क्यों असूया करेंगे? हाँ, यही तो समस्या है समझने में, क्योंकि कारण क्या होता है कि गुरु लोग अनेक शिष्य हैं, है ना, सबको पढ़ा रहे हैं। एक शिष्य को ज्यादा बुद्धि है, समझदार है, वो समझ रहा है, मान लो वो शंका पूछते उसके जवाब झटी दी देते हैं, और दूसरा कोई प्रश्न पूछता है वो समझ नहीं रहा है, उठपटांग कर पूछ रहा है, उसका जवाब नहीं देंगे, तब क्या करेगा चेला? गुरु बड़े पक्षपाती है, जब उसके प्रश्नों के सारे जवाब तो दे देते हैं, मेरे तो बात ही नहीं सुनते हैं। गुरु में भेदभाव है, गुरु बड़े दुष्ट है, ये देखने लगते, ये होता है। एक बार ये तो गुरु शिष्य में क्या सामान रूपेण हमने बताता हूँ, एक कॉन्फ्रेंस बुलाया था हम लोगों ने, राष्ट्रीय स्तर का एक सम्मेलन, किस तीन विषयों पर रख करके बुलाया गया था, रखे थे वही जो स्वतंत्रानंद आश्रम के हॉल में था, रहते थे सब ध्यान दास भोजन वहाँ करते थे। उस कॉन्फ्रेंस में दो व्यक्ति ज़्यादा बार बार बोलने लगे, दो व्यक्ति बार बार बोलते थे हम लोगों से, बार सबके पेपर्स रखकर, जो सब पेपर्स मांगे थे बड़े बड़े लोगों से जो आए थे, वो लोग अपने पेपर उठा के उन्हें जो बोला उस पर चर्चा हो रही थी। दो व्यक्ति ज़्यादा बार बार बोलते थे और हम लोग उसी को सुनते थे, हम लोग ध्यान ही नहीं दे दूसरों पर, भाई आप लोग पूछा जाए, अरे आप बोलो कुछ, आप बोलो पूछ करके। अब उस पर जो फिर जो बात हो गई, फिर आदमी झट अगले पेपर में हम लोग चले गए। अब उसमें एक आदमी उठ के नाराज हो गया, महाराज जी क्या कर रहे हैं आप, यह आपके क्षेत्र के हैं क्या, नते भी दक्षिण के हैं, इसे उनकी बात सुनते रहते हो आप, ये आरोप लगा दिया। तो था केरल का, मुझे तो देखो दुर्भाग्य, वैसे तो केरल का था, एम बी एन नायर करके, ज़्यादा वही बोलता था।
और उसको हम जवाब देते थे। उधर आप उसी के प्रश्न सुनते हो, उसको जवाब देते हो, भाई हम लोग बुद्ध हैं, हम बैठे हुए हैं, अरे हम लोग क्यों आए हैं यहाँ फिर। मैंने कहा अच्छा भाई कोई बात नहीं, ध्यान आपने ठीक दिलाया, कोई बात गलती होगी, हम लोग वहाँ से बैठे बैठे फिर हम उसी को पूछते हैं, फिर सबसे पूछता हर पेपर के बाद में ध्यान भर जिन बोले भाई चुप रहना, हम सबसे पूछेंगे, प्रत्येक को बोलने का अधिकार, नहीं तो तुरंत आरोप लग जाता है। एक गुरु शिष्य में तो साधारण बात है, ऐसे भी लोगों को देखा जो गुरु के खिलाफ पर्चा छाप दिया, इतना मोटा पुस्तक छाप के बांट दिया गुरु के खिलाफ। यही शिवानंद आश्रम में एक महात्मा चिदानंद जी महाराज के खिलाफ इतना मोटा पुस्तक लिखा और बांट दिया सब भक्त को, बड़ा फंक्शन में 10,000 छाप के लाया और सबको बांट दिया भक्तों, पूरे फंक्शन में। ऐसे भी शिष्य होते हैं, एक चेला ऐसा जानता जो गुरु को जेल भेज दिया। हरियाणा में रोहतक एक जिला है, वहाँ के पाकिस्तान गिरी करके उसने अपने गुरु के खिलाफ केस कर दिया, और कोई बात हुई जो भी बात हुई खैर, और उसको ले जाकर उसको जेल में बंद करवा दिया, और जब तक जेल में बंद नहीं हुआ तब तक वो छोड़ा नहीं छेड़ा, कसम खा के क्या गुरु के सामने बोल कर गया, मैं छोड़ूंगा ना आपको जेल में, जब तक नहीं देखूँ आपको वहाँ मिलने आऊँगा तब तक मैं आपको छोड़ा, कैसे बचोगे आप जेल जाने से मैं देख लेता हूँ, पकड़ बंद की। गुरु के पास करोड़ों रुपया, बड़ा आश्रम, लेकिन फिर भी उनके रुपया फेल हो गया उसकी तपस्या के सामने, छेड़े के सामने बच नहीं सके, पुलिस को घुस दिया, सबको दिया, बहुत बचा गुरु पहले, लेकिन उसने ऐसे ही चाल चला, ऐसे ही चाल चलते गया, अंत में गुरु जेल में पहुंच ही गए, और फिर वहां जा करके बोला जेल में जाकर, देखा अब मेरी तमन्ना पूरी हो गई, अब मैं ही आपको छुड़ाता हूँ जेल से। फिर जाके छुड़ाया। ऐसे भी चेड़े होते, तो असूया अनेकों कारणों से हो सकता है, उनके गुण में जो दोष देखना है तो वह कारण अनेक, अपने अपने स्वार्थ होता है हर शिष्य का, अपना अपना विद्यार्थी का अपने अपने अपेक्षाएं होती है, वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो गुरु पर आरोप लग जाता है। इसलिए भगवान से अपेक्षा रख रहे हैं, भगवान से अपेक्षा पूरी नहीं हुई और दूसरे साधक उसको पूरा कर रहे हैं भगवान, तो देख करके जलन करेगा, उसे फिर आक्षेप कर देगा, इस तरीके से होता है। इसलिए कहते गुरु वासुदेवे मई असुयाम अकुर्वंत। अच्छा यहाँ ये बोल रहा था आनगिरी, अपीर यथोक्ताया मुक्तेर अमुख्यत्व द्योतनार्थ। आनगिरिकार का देखो अमुख्यत्व का द्योतन करने के, आनगिरिकार अमुख्य पक्ष को ही ले रहे हैं, मैंने केवल कर्मों से मुक्ति होगी, ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी, मैंने कर्म से मुक्त हो जाओगे, मैंने संन्यास के अधिकारी हो जाओगे, अंतगण शुद्ध हो जाता है, संन्यास ग्रहण करेगा या वेदांत श्रवण करने के योग्य हो जाता है, इत्यादि अर्थ भी आ जाएगा। मुच्यन्ते तेपि एवं भूताः कर्मभिः धर्माधर्माज्ञैः, धर्माधर्माज्ञ कर्मों से इस प्रकार से हो, ऐसा स्वरूप वाले वे मनुष्य हो, मेरे कर्मों का अनुष्ठान करने वाले, मेरे इस मत को स्वीकार करके उसके अनुसरण करने वाले जो लोग हैं, वे उन कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। और ठीक इसका विपरीत जो लोग नहीं मानते हैं, हाँ, उनके लिए क्या होगा वो भी बताएंगे, उनको दंड मिलेगा, उनको दंड मिलेगा। नीचे दिए गए दुखात्मक कर्मणि प्रवर्तेति दोष दृष्टि अकुर्वन्तः अनुसूयन्त श्रीधरी। उनकी असूया ईश्वर में क्यों हो रहा है, हमें कर्म क्यों लगा रहे, दुख का तक कर्म मेरे को लगा रखे हैं, कर बार बार कर्म करो कर्म करो, ज्ञान के हमको अनधिकारी कह दिया, क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो बहुत जलते होंगे ये बात सुन करके, जब जो है उनको कह दिया तुम ब्राह्मण को ही संन्यास का अधिकार है, तो ईश्वर को कहेंगे ईश्वर बड़ा जो है पक्षपाती, ब्राह्मणों को तो संन्यास का अधिकार दे दिया, मोक्ष का ठेकेदार बना दिया, और हम लोग तो कहते संन्यास का अधिकार ही नहीं, हमको कद कर्म ही लगे रहो तुम जिंदगी भर। दुखात्मिक कर्मणि प्रवर्ति दोष दृष्टि अकुर्वंत, ऐसे दोष न करते हुए क्षत्रिय शूद्र को अपने कर्म करते रहना चाहिए। ये संसार है, सब प्रकार के लोग हैं यहाँ, सब कुछ होता है यहाँ। एक चिड़ी है गुरुजी का, ऐसे ही बार बार गुरु के खिलाफ अखबारों में मैगजीनों में छापती ही रहती है, हमेशा 25-30 साल से चल रहा काम, हर साल जो है
वो जरूर कुछ ना कुछ कोई ना कोई मैगजीन में छापते, कुछ ना कुछ जरूर डालते, झूठते नहीं, क्या उनको मजा आता है गुरु के साथ ऐसे करने। एक महात्मा यहाँ मंगल आश्रम में रहता है, अब वहाँ से हट गए दूसरी जगह रह रहा है, वो क्या के पैम्पलेट छपा गया गुरु जी के खिलाफ और सब महात्मा मंडलेश्वर सब के पास भेजा, सब अखाड़ों में भेजा कि उनको कोई मानना नहीं, उनको कोई सम्मान नहीं करना, उनके उठना बैठना नहीं, ऐसे ऐसे फालतू के। मैं उसको समझाए से क्या फ़ायदा होगा, तुम्हारे लिखने से कोई अंतर पड़ेगा? कोई अंतर नहीं। भाई तुम अपने आंखों के सामने पट्टी बांध लो और कहो मुझे सूर्य नहीं दिखता है, सर किसी को नहीं दिखता है, सब गलत है जो बोलते दिखा देता है, ये क्या होगा, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? हैं तुम मूड हो तो सारी दुनिया को मूड कहते रहोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ये संसार में इस तरह के लोग, इसलिए भगवान जानकी कहते हैं अनसूयंतो हसिया, गुरु में और वासुदेव में, मित्रों में आपस में होता है, भाई भाई में तो होता ही है और गुरु और वासुदेव आदि में भी होता है। अब दंडयति विपर्य, और जो अनुसरण नहीं करता है उसको दंडित करते हैं भगवान, दंड बता रहे हैं। नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञार विमूढांस्तान विद्धि नष्टान चेतसः, ये तो किंतु तू इतर व्यावर्तक है पूर्व कथित अनुसरण करने वाले सनातन धर्मियों के विलक्षण विधर्मी लोग हैं उन लोगों को यहाँ तू सबसे व्यावर्तन करके संकेत कर दे रहे हैं, वह सब धर्मियों की अपेक्षा से असत धर्मियों को यह कह रही है सबसे, जो लोग असत धर्मी हैं वे लोग एतद् मम मतम, यह जो मेरा मत है इस मत को सुन करके इसमें विद्यमान गुण को भी दोष रूप में देखता हुआ अभ्यसूयंद अभित असूयंद नानुतिष्ठन्ति मे मतम, ये तन मे मतम नानुतिष्ठन्ति, मेरा यह मत को अनुष्ठान नहीं करते हैं उनको तान, क्या समझना है, सर्वज्ञान मूढ़ान नष्ठान अचेतसः इति विद्धि, उनको सकल ज्ञानों से रहित, सकल ज्ञान से क्या समझना, ब्रह्म ज्ञान से भी रहित समझना। ये जो आजकल के ब्रह्म ज्ञानी है, ये भी जो मॉडर्न ब्रह्म ज्ञानी, ये इनको भी इसमें लेना है, ये भी ऐसे उठपटांग लोग हैं, शब्द ज्ञान लिए हुए हैं और उठपटांग काम करते हैं, वो सबको इसमें ग्रहण करना है। इसलिए सर्वेषु ज्ञानेषु सामान्य रूपेण कह रहे हैं सर्वज्ञानेषु विविधम रूपेण मूढ़ा इति विविध विमूढ़ा तान विमूढ़ान, ऐसा कर देना है। सकल ज्ञानों में जो विविध प्रकार से मोह से युक्त होकर के इसलिए ग्रहण नहीं कर पाती इसको, नष्ठान वह मानो अपने आप का नाश कर लिए हैं, आत्मघाती हैं वो, आत्मघनो जनाहा ऐसा नेत्र का हुआ है इन लोगों को, अचेतसः मन अविवेकिनः, ये सब अविवेकी लोग हैं, अपने हितहित को सम्यक समझ नहीं पा रहे हैं, लौकिक पदार्थों को लेकर के हितहित समझ रहे हैं, अपना सारा ब्रह्म ज्ञान को धन कमाने में लगा देते हैं, पूरा अपना संन्यास का इस्तेमाल करते हैं, सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। एक बार महात्मा ने कहा भाई अभी तुम्हारी सफ़ेद दाढ़ी नहीं हुई है इसे तुम्हारी इतनी वैल्यू नहीं होगी दुनिया में। मैंने कहा क्यों, ऐसी क्या बात है, हमारे ज्ञान सुनेंगे कि दाढ़ी देखेंगे, नहीं जानते हो तो हिमालय से उतरता है उसका दाढ़ी हिमवत सफ़ेद होना चाहिए तभी उसका वैल्यू होता है। मैंने कहा अच्छा भाई तेरी जैसी खाना क्या कहे तुमको ने, सफ़ेद दाढ़ी होंगे दांत नहीं होंगे तब वेदांती होकर वेदांत बोलेंगे तब लोग मेरे को मानेंगे, डुप्लीकेट दांत डाल के बोलना पड़ेगा, वो जो नकली दांत आते हैं उसको डाल के बोलेंगे तब लोग समझेंगे, उससे पहले नहीं समझेंगे। भाई हमने कहा तब उसको, ऐसी हमारी परंपरा नहीं है, हमारी परंपरा उल्टी है, लेकिन है गुरु और युवा, गुरु और युवा वृद्धा शिष्य, हमारी परंपरा तो गुरु युवा होता है वृद्धा शिष्या होते हैं, क्यों वहां पर भी विशेषता है ना, गुरु युवा क्यों माना गया, क्योंकि युवा शब्द बनता ही है यो मिश्रणा मिश्रण यो धातु से,
जो मिश्रित है उसको अमिश्रित करके देखने के सामर्थ्य करने वाले का नाम ही युवा होता है। जात और अनात्मा सम्मिश्रित है उसको पृथक करके देखने के सामर्थ्य वर्णने वाले का नाम युवा, वही गुरु होता है। इसलिए लक्षण में मुख्य है, आयु से मतलब नहीं होता है। वृद्धा शिष्य मैंने वहां पर क्या करना, अज्ञानी वृद्धा इति अज्ञान वृद्धा शिष्य। अब अज्ञान से वह बहुत बूढ़ा गए हैं, अब समझ गए हैं ये अज्ञान हमको सुख शांति देने वाला नहीं। जैसे बुढ़ापे में आने के बाद ही आदमी को पता चलता है भाई ये जवानी में मैंने जितना पैसा कमाया, जितना दुनिया को ठगा, जो जो काम किया, इससे वास्तविक सुख शांति मिलती नहीं है। इसे अज्ञान और अज्ञान के कार्य बुद्धि संसार से वास्तविक सुख शांति नहीं मिलती है। ऐसे जानने वाला जो अज्ञान वृद्धा ते एव शिष्य भवित मरंती नान्याहित गुरु युवा वृद्धा शिष्य वटतर और मूल निशन वटतरोर मूले निशन्नम इत्यादि। और खैर छो श्लोकों का अर्थ में जाएंगे तो फिर कहीं से कहां भाग जाएंगे। ये तदप्य सुयंत नष्टान विचिस अविवेकी नैत्यर्थ वे सब अविवेकी लोग है ये समझो।